कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। मोदी सरकार ने कृषि कानून में बदलाव की मांग को लेकर डटे अन्नदाता। दिल्ली के सीएम केजरीवाल समेत कई दलों ने दिया समर्थन। कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज। आज होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। आंतरिक कलह के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेता होंगे शामिल। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। बेल मिली तो जेल से बाहर आने का रास्ता हो जाएगा साफ। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में होगी सुनवाई। कंगना के ऑफिस में बीएमसी की कार्रवाई मामले में आ जाएगा फैसला। 5 अक्टूबर को मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रख लिया था सुरक्षित। कंगना ने की थी 2 करोड़ रुपए के नुकसान हर्जाने की मांग। आज वाराणसी के दौरे पर आएंगे सीएम योगी। देव दीपावली की तैयारियों का लेंगे जायजा। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान आज। 4 पंचायत समितियों के 73 वार्डों में हो रही है वोटिंग। सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक 3,92,598 मतदाता डालेंगे वोट। मालेगांव विस्फोट मामले में निसार की याचिका पर आज आएगा बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। पुरोहित के खिलाफ आरोप खारिज करने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अतिरिक्त निजी सचिव रविंद्रन को ईडी का नोटिस। आज दिल्ली में होगी पेशी। गोल्ड स्मगलिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। आज से बदलने जा रहा लक्ष्मी विलास बैंक का नाम। लक्ष्मी विलास बैंक के सभी ब्रांच डीबीएस बैंक के नाम से होंगे ऑपरेट। 20 लाख अकाउंट होल्डर्स और 4,000 कर्मचारियों को भी राहत। और महामारी के बीच भारतीय टीम पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मैदान पर उतरेगी। आज से शुरू होगी टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज। सुबह 9 बजे से शुरू होगा दोनों टीमों के बीच मुकाबला।